क्वेश्चन है बच्चों, थ्री डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि थ्री डिफरेंट कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाता है तो एक हेड, एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो सबसे पहले बच्चों हम पता करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 2 पावर 3, 8, है ना। अब पता कर लेते हैं कि आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं। 8 आउटकम्स आएंगे जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे, लेकिन वो कैसे निकालेंगे हम बच्चों। एक बार टॉस करेंगे या कॉइन, किसी भी कॉइन को आप टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब एक कॉइन में 2 आउटकम आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हेड और टेल आ सकते हैं, तो आपने ऐसे लिखना है 8 का हाफ कर लीजिए 4, तो मतलब आपको 4 टाइम्स एच लिखना है और 4 टाइम्स ही टेल लिखना है। समझ पा रहे हैं, है ना। आउटकम्स पता करने का तरीका ये ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 टाइम्स हमने हेड लिख लिया और 4 टाइम्स टेल, फिर 4 का हाफ कर लीजिए 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, जब तक 8 ना आ जाए, ठीक है ना। 8 बार आपको लिखना है। अब फिर 2 का हाफ कर लीजिए 1, अब मतलब हेड टेल आपको 8 टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स हेड और 4 टाइम्स टेल। इस प्रकार से हेड टेल, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं जब 3 डिफरेंट कॉइन्स को टॉस किया जाएगा तब। तो यहां हम सैंपल स्पेस इस प्रकार से लिख पाते हैं, सैंपल स्पेस एच 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 टी एच एच, मैं यहां लिख लेता हूं। तो बच्चों ये सभी आउटकम्स मैंने ऐसे लिख लिया, आपको ऐसे ही लिखना है अपने सॉल्यूशन में। ये आपका रफ वर्क है, अलग आप कर सकते हैं इसे, इसे सॉल्यूशन का पार्ट ना बनाए, सिर्फ समझने के लिए आप ऐसे लिखें। ये सभी आउटकम्स यहां लिख लिए गए हैं। अब हम वो आउटकम्स चेक करेंगे जिसमें एक हेड आ रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जिसमें बच्चों सिर्फ एक हेड आ रहा होगा। एक तो ये है 1, 2 एंड 3, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक हेड आ रहा है। देखो एक तो ये आउटकम है, एक ये है जिसमें एक ही हेड है और एक ये है, ठीक है, ये हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, बच्चों प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां फेवरेबल आउटकम्स हैं 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 8, तो हो जाएगा 3/8 और ये आपका आंसर हो गया बच्चों।